हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चुटकियों में देख लेते हैं, सीख लेते हैं और साथ में क्वेश्चन भी कर लेते हैं बच्चों। तो आज आपके सामने लेके आया हूँ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का एक कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे दो ब्लॉक दिया हुआ है, एक ए ब्लॉक है, दूसरा बी ब्लॉक है। ये दोनों यहाँ पे जो दिया हुआ है वो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये भी स्ट्रिंग है। और यहाँ पे एक पुली है जिसमें आइडियल पुली है, आइडियल स्ट्रिंग है, मतलब आप बोल सकते हो इनएक्सटेंसिबल है। और उसके बाद जो पुली है उसमें फ्रिक्शन लेस है और नीचे जो है वहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, मे बी इक्वल टू जीरो आप बोल सकते हो, सब कुछ ठीक है। बट आपको यहाँ पे बोला ये एंगल एंगल आपको दिया हुआ है ऐसे इंक्लाइंड है, ये ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से इस डायरेक्शन पे चल रहा है, तो बी का क्या वेलोसिटी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसको खींचा जाएगा तो डेफिनेटली बी भी इस डायरेक्शन पे चलेगा। अब बी का वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कंस्ट्रेंट मोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मान लो ये एक स्ट्रिंग है। क्या है ये? एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में दो पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सपोज इस स्ट्रिंग को तुम ये वाला पॉइंट जो है वो वी वेलोसिटी से इस पॉइंट पे इधर जा रहा है, वी वेलोसिटी से, तो उसके बगल वाला पॉइंट भी वी वेलोसिटी से जाएगा, बगल वाले पॉइंट वी वेलोसिटी, फिर ये वाला बी, फिर ये वाला बी, फिर ये बी, फिर ये बी, फिर ये बी, अच्छा देखा जाएगा ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। मतलब इस स्ट्रिंग में ईच एंड एवरी पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो सेम है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है, यहाँ पे कोई इलॉन्गेशन नहीं हो सकता, एक बात हो गया। और ये कब तक होगा? बिफोर इट ब्रेक्स। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक ये वेलोसिटी या ये कॉन्सेप्ट आपको बरकरार रहेगा। ये समझ में आया? इसका मतलब बोल सकते हो अगर ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप सिंपली बोल सकते हो ये इधर जा रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर अलोंग द स्ट्रिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम, किसी भी पॉइंट का देख लो। तो ये एंगल 37 होगा तो डेफिनेटली ये एंगल भी 37 है, तो अलोंग द स्ट्रिंग इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये बोल सकते हो 5 इंटू कॉस 37 मीन्स 4/5, ये 4 हो गया। तो इधर ये जा रहा है मतलब इसका इधर डायरेक्शन पे 4 है, ये इस डायरेक्शन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4, इधर 4, इधर 4, इधर 4, इधर 4। बट हमें कौन सा चाहिए? ये 4 वाला स्ट्रिंग का नहीं चाहिए, हमें इस ब्लॉक का चाहिए। बट ब्लॉक एक्चुअली इस डायरेक्शन पे चल रहा है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी अपन बीबी बोल लेते हैं, इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना है? 4 है बच्चों, अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी 4, क्योंकि ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेन है। और यहाँ पे स्ट्रिंग का अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट का क्या होता है? सेम होता है, ये हमने समझ में आया। तो आप बोल सकते हो बीबी cos 53 मीन्स आप बोल सकते हो 3/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4, सो बीबी का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा? 20/3 एंड दैट इज योर आंसर। चुटकियों में हमने सॉल्व कर लिया। तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ फिजिक्स इन मिनट आपको कैसे लगा, पसंद आया कि नहीं, और ये भी बताना है कि फ़ायदा मंद है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।